दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं एक जगह पे हूँ गांव के अंदर। गांव की जिंदगी में दिखाऊंगा आप लोगों को कि गांव के अंदर कितनी अवेयरनेस की कमी रहती है। आप लोग मुझे कहते हैं कि ये ओट पटांगा वीडियोस बनाते हो, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये है रैन वाइजर, अगर मैं इसको कहूँ, या रैन प्रोटेक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे ये सनशेड लगाना लाजमी है हर एक गाड़ी में, क्योंकि हम इससे क्या करते हैं कि अंदर से वैक्यूम जब भी होगा, अंदर से जब भी स्टीम होगा, बाप अंदर से उठेगा, तो इस हल्का सा हम डाउन रखते हैं शीशे को, ताकि ऊपर से अगर बर्फ पड़ेगी तो बारिश गिरेगी तो बाहर गिरेगा, वो अंदर नहीं आएगा। इसका काम वही है ना। लेकिन लगाने का तरीका देखो, कंपनी ने जो लगाया था वो उठ गया, चाहे कंपनी ने डबल टेप पे लगाया, चाहे कंपनी ने सिलिकॉन पे लगाया। जब उठ गया तो नया लगाने की बारी जरूरी है, तो लगाने का तरीका देखा मैं दिखाता हूँ। जहां इसको 100 रुपया खर्चा आता, नजदीक छोड़ा, 100 रुपया खर्चा आता और इसका सारा बच जाता। ये देखो इसने विंडोज पे कितने सुराग्स किए हैं, स्क्रूज लगा के, इसको स्क्रूज लगाई है, पूरा विंडो खराब की है। अगर इसकी जगह पे इस ड्राइवर को पता होता या इस मिस्त्री को पता होता कि अगर हम इसमें 789 का सिलिकॉन का सहारा लेंगे, तो एक तो गाड़ी भी बच जाएगी, कभी भी हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, और ये सुराग्स नहीं होते। गाड़ी पे स्क्रैच लगना आप लोगों को पता है कि कितना महंगा पड़ता है, फिर सुराग कर रहा है विंडो के अंदर, कितना महंगा पड़ा इसको। इस चीज का क्या नाम दोगे आप? ये मिस्त्री की गलती है, ड्राइवर की गलती है, या इन दोनों की अवेयरनेस की कमी है? अगर आप लोगों को भी इस तरीके का कभी भी उठेगा, तो इसको दो ही अल्टरनेटिव्स है। या तो हमें डबल टेप इसको लगाना है, डबल टेप से चिपकाना है, डबल टेप दोनों साइड से चिपक जाता है, एक वो तरीका है, वो एक स्टैंडर्ड, किसी एक स्टैंडर्ड कंपनी का लो, या अगर वो नहीं है तो सिलिकॉन ले लो, 789 किसी भी ब्रांड का 789 नंबर आता है, जो आपको आराम से यहाँ पे चिपकेगा। उसके बाद कभी भी अगर आपको ये वाइजर टूट भी जाएगा, आप इसको रिमूव कर सकते हो, सिलिकॉन को आराम से आप रिमूव कर सकते हो, नया सिरे से चिपका सकते हो। तो इन चीजों को मैं क्या नाम दूं आप बताओ? अब आप लोगों को कितना देखने की जरूरत है, कितना सीखने की जरूरत है। अभी छोटे छोटे मामलों में हमने गलती कर बैठते हैं। ये इसने, मेरे ख्याल से इसने 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपए की गाड़ी है ना, पूरा इसमें पानी में डुबा दिया, एक सुराग की वजह से। अगर इसको कल बेचने जाएंगे, कितना वैल्यू डाउन हो जाएगा एक सुराग की वजह से, आप खुद सोचो। आप लोग ये गलती नहीं करना। अगर आप लोगों को भी कहीं वाइजर उठेगा, लगाना पड़ेगा ना, या तो आप डबल टेप लगाओगे, या इसके अंदर आप लोग सिलिकॉन का सहारा लोगे। तो मेहरबानी करके इन चीजों से अवेयर रहिए, अदरवाइज आप लोग करोड़ों की गाड़ी लाओगे ना, एक आप लोगों की गलती की वजह से उसका वैल्यू तमाम डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सुराग हुआ ना, इसने इसको 60% वैल्यू डाउन किया, 60%। ये स्क्रैप में आएगा, आप ये विंडो अगर खोलेंगे, ये स्क्रैप में जाएगा सीधा, क्योंकि इसके अंदर सुराग है। या तो आप इसके अंदर फिलिंग करनी है, बाकी चीजें करनी है, फिर पेंट चढ़ाना है, एटलीस्ट ये स्क्रैप में ही आया। आप इस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से, या उस मेसन की, मिस्त्री की गलती की वजह से, तो इसलिए फिर आप मिस्त्री लोग आएंगे कि हमारी ये गलती नहीं है, गलती है, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा। अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। इसलिए मैं तमाम यहाँ से तमाम ड्राइवर हजरत को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या जितने भी स्पेयर पार्ट्स भेजने वाले हैं ना, उनको चाहिए था हर एक इक्विपमेंट साथ रखना। हर एक इक्विपमेंट अगर उनकी दुकान पे होगा, वो खुद प्रोफेशनल होगा, जब ये वाइजर या ड्राइवर खरीदेगा, तो वो वहां से उसको बोलेगा कि इसको लगाने का तरीका क्या है, या खुद लगा के देगा। तो लगाने के टाइम भी आप लोग सही मटेरियल का इस्तेमाल करो, ताकि इन बिचारों को फिर उखड़ के ये ना जाए, फिर इनके ये स्क्रूज का सहारा लेना पड़ता है। फिर ये ड्राइवर्स क्या करते हैं कि इसको स्क्रूज लगा लगा के गाड़ी की हालत खराब करते हैं। मेरे ख्याल से जितना मैं इस चीज को समझ पाता हूँ, कि ये इस स्पेयर पार्ट्स भेजने वाले की कमी है, जो जिसने भेजा होगा उसने खुद लगाया होगा वहां पे। लगाने के टाइम उसने क्या किया कि डुप्लीकेट डबल टेप लगाया होगा, इस बेचारे को जब चलने के बाद उखड़ गया, फिर गांव में रहता है, अब इसके पास इतना नॉलेज है नहीं, इसको चिपकाना कैसे, इसने सिंपल स्क्रू लाया और ठोका इसके अंदर, कील ठोका इसके अंदर, जिससे इसकी गाड़ी का वैल्यू बहुत ज्यादा खत्म हुआ। तो इन चीजों से बचिए। अगर आप लोग कोई भी चीज भेज रहे हैं ना, मेहरबानी करके ओरिजिनल भेजो, 10 रुपए ज्यादा ले लो, मगर ओरिजिनल दे दो, किसी भी एक प्रोफेशन के साथ। जरूरी नहीं है कि मैं प्लम्बर हूं, या किसी भी एक काम के साथ आप लोग रिलेट अगर कर रहे हो, तो ओरिजिनल चीज भेजो, तभी जाके हमारा कश्मीर भी आगे बढ़ेगा पूरा दुनिया के साथ साथ, अदरवाइज। और दूसरी बात यह है कि अवेयरनेस ले लो हर एक, अगर कोई ड्राइवर है उसको हर चीज का पता होना चाहिए। ये पैंट अगर कहीं पे स्क्रैप, मूमली हल्का सा स्क्रेच कहीं पे होगा, इनको पता होना चाहिए कि इसके लिए हम स्प्रे पेंट भी ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 10-20 हजार हम उनको देंगे, पेंटर उसको देंगे। तो आप लोगों को हर साइड से लूटा जा रहा है, मैं इतना ही कहूंगा, आप लोगों को हर साइड से लूटा जा रहा है। आप लोग खुद होशियार रहिए, संतर्त रहिए, तो तभी जाके आप लोगों के साथ चीट नहीं हो जाएगा, वरना आप लोगों को भी यही हाल होगा। 20 लाख की गाड़ी लाओ, उसके बाद वाइजर को कील से ठोको, तो 20 लाख की गाड़ी वैल्यू सीधा 0 पे आएगा। ये चीजें, ये गलतियां नहीं करना मेहरबानी करके। बाकी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।